थैंक यू वेरी मच हर्ष. की नोट में ये नोट है, कल अमित शाह मेरे साथ आपकी अदालत के शो में थे, बहुत नोटों की बात हुई. उन्होंने कहा कि ज़रा 10 करोड़ जमा करा के देखिए पकड़े जाएंगे, तो मैंने कहा कि मेरे पास तो नोट नहीं, आप दे दीजिए कुछ उधार. तो उन्होंने कहा मेरे पास भी नहीं है. तो मैंने कहा आपके पास नोट नहीं है, मेरे पास नोट नहीं है, फिक्की में जाऊंगा तो पूछूंगा कि किसके पास है. जिस सब्जेक्ट पर मुझे बोलने के लिए कहा गया है वो ब्रिजिंग पॉलिटिकल डिवाइड. अब मैं सोच रहा था कि पॉलिटिकल डिवाइड है कहाँ. हमारे एक चीफ मिनिस्टर हैं, वो रोज़ कहते हैं कि राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी मिले हुए हैं. वो कहते हैं सब मिले हुए जी, आप देख लीजिए, अगर नहीं मिले होते तो रॉबर्ट वड्रा के खिलाफ केस कर देते, अब तक उसको जेल में डाल देते. प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश में भाषण दे रहे थे, उन्होंने कहा कि बीएसपी और एसपी मुलायम सिंह और मायावती आपस में मिले हुए हैं. मायावती जी कहती हैं कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी आपस में मिले हुए हैं, और मुलायम सिंह कहते हैं मायावती और बीजेपी आपस मिले हुए, 2-3 बार अपने आप मिलकर सरकार बना चुके हैं. जब सब आपस में मिले हुए हैं तो फिर डिवाइड कहाँ है. लेकिन डिवाइड है. हम चाहे राजनेता पॉलिटिकल लीडर्स आपस में एक दूसरे के बारे में ये कहें कि कौन किससे मिला हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि जब ये लोग आपस में इस तरह की बात करते हैं तो उनके पीछे एक ही मकसद होता है कि वो अपने वोटर्स को कैसे खुश करें, कैसे लोकप्रियता हासिल करें, कैसे एक दूसरे को एक दूसरे के साथ मिला हुआ बता के कंफ्यूजन क्रिएट करें. अपने राजनीतिक विरोधी को नीचा दिखाने की कोशिश करें. मैं बहुत लंबी बात आपसे नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन 2-4 छोटी छोटी बातें हैं. मुझे लगता है कि डिवाइड तो होना चाहिए, आइडियोलॉजी का डिवाइड, विचारधारा का डिवाइड, अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार का डिवाइड. ये एक लोकतंत्र की बहुत बड़ी ताकत है. अलग अलग पार्टियां हैं, अलग अलग विचार हैं, अलग अलग सोच है, लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं, कुछ विषय ऐसे हैं जिस पर डिवाइड शायद न हो तो देश के लिए बेहतर होगा. अगर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, टेररिज्म को ख़त्म करना है, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सब पॉलिटिकल पार्टीज एक हो सकती हैं, जिस पर डिवाइड की ज़रूरत नहीं है. अगर महिलाओं की सुरक्षा की बात करनी है, जहाँ भी मैं जाता हूँ ऑडियंस में, जहाँ महिलाएं होती हैं एक सवाल ज़रूर पूछती हैं कि हमारी सुरक्षा का क्या. क्या हमारे लिए शर्म की बात नहीं कि हमारे, आज ही मैंने नेशनल क्राइम ब्यूरो के रिकॉर्ड्स मांगे, उन्होंने कहा कि सबसे कॉमन क्राइम महिलाओं के खिलाफ अगर कोई है तो रेप है, बलात्कार है. इससे ज़्यादा क्या शर्म की बात हो सकती है. हर 29 मिनट में हमारे देश में एक बलात्कार की खबर आती है. क्या ये सवाल ऐसा नहीं है जिस पर सबको एक होना चाहिए. लेबर रिफॉर्म्स, लैंड एक्विजिशन, ईज ऑफ बिजनेस, क्या ये से सवाल नहीं जिस पर सबको इकट्ठा होना चाहिए. जनसंख्या पर कंट्रोल हो, पॉपुलेशन कंट्रोल हो. हर 20 दिन में 10 लाख की पॉपुलेशन हमारे यहाँ बढ़ जाती है. 1976 में जब इमरजेंसी थी तो एक कोशिश हुई थी नसबंदी की, उसका इतना नुकसान हुआ कि उसके बाद आज कोई बात नहीं करना चाहता पॉपुलेशन कंट्रोल की. उस समय 56 करोड़ हम लोग थे, आज 136 करोड़ हैं. कितनी भी सुविधाएं क्रिएट कर लीजिए, कितने ब्रिजेस बना लीजिए, जब तक जनसंख्या इस आधार से बढ़ती रहेगी तो कोई रास्ता नहीं निकलेगा.
ये ऐसे सवाल हैं जिन पर मुझे लगता है कि पॉलिटिकल डिवाइड नहीं होना चाहिए। कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं, अगर इनको देखें सवाल यह है कि ये पॉलिटिकल डिवाइड क्यों है और जिन सवालों पर, जिन विषयों पर पॉलिटिकल डिवाइड नहीं होना चाहिए वो डिवाइड क्यों नहीं है। डिवाइड इसलिए है कि हम हर काम में उसका मोटिव ढूंढते हैं, उसका मकसद क्या, ये नहीं ढूंढते। किसी ने कोई काम किया, अगर किसी ने लेबर रिफॉर्म की बात की तो मजदूर विरोधी है, अगर किसी ने लैंड एक्विजिशन की बात की तो वो किसान विरोधी है, अगर किसी ने जनसंख्या कंट्रोल की बात की, पॉपुलेशन कंट्रोल की बात की तो कहेंगे मुसलमानों का विरोधी है, अगर डीमोनेटाइजेशन की बात की तो गरीबों के दुश्मन हैं, उद्योगपतियों के दोस्त हैं, अगर कोई आदमी अच्छे कपड़े पहन ले तो सूट बूट की सरकार है। मेरा ये कहना है कि इन छोटी छोटी बातों पर, चाहे वो लोकप्रियता हासिल करने के लिए कही जाए, जब इन सवालों से डिवाइड किया जा, खड़ा किया जाता है तो देश के लिए मुश्किल पैदा कर देता है, समाज के लिए मुश्किल पैदा कर देता है। किसी के लिए भी अच्छे कदम उठाने के लिए, ऐसे कदम जो आप लोग चाहते हैं, ऐसे कदम जो रिफॉर्म्स करेंगे, ऐसे कदम जो ईज ऑफ बिजनेस करेंगे, ऐसे कदम जो लैंड एक्विजिशन को आसान बनाएंगे, ये कदम उठाना किसी के लिए भी मुश्किल हो सकता है। अब सवाल यह है कि क्या वजह है इसकी। सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे देश में हर थोड़े दिन में इलेक्शन होते हैं। अगर 2014 से देखें तो 2014 में महाराष्ट्र में, हरियाणा में इलेक्शन हुए लोकसभा इलेक्शन के बाद अक्टूबर में, दिसंबर में जम्मू कश्मीर झारखंड के, फरवरी में दिल्ली के, नवंबर 1915 में बिहार के, मई 16 में वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, असम, 2017 में मार्च में यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा के इलेक्शन होंगे, 2017 में यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर के बाद दिसंबर में गुजरात, हिमाचल के होंगे, दिसंबर 18 में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम और फिर मई में जनरल इलेक्शन। हर थोड़े दिन में जब पॉलिटिकल पार्टीज को चुनाव लड़ने पड़ते हैं और इसके अलावा लोकसभा असेंबली के अलावा पंचायत के इलेक्शन, पिनाकी मिश्रा यहाँ बैठे हैं, इनको चुनाव लड़ना पड़ता है, जानते हैं कि कितना मुश्किल होता है चुनाव लड़ना, फिर असेंबली का चुनाव लड़ना, उसके लिए पैसा जुटाना, उसके लिए लोगों से मदद मांगना और उसके लिए अपनी पॉलिसी में, अपनी थिंकिंग में, अपने काम में समझौते करना। मुझे लगता है कि सबसे पहली चीज जिस पर हमको पॉलिटिकल डिवाइड खत्म करना चाहिए, जो पहला स्टेप होना चाहिए इन सब कामों से पहले, वो है किस तरह से हम सारे चुनावों को एक साथ कर सकें, एक वक्त पर कर सकें। शुरुआत तो ऐसे ही हुई थी कि एक साथ होते थे पंचायत के, नगर निगम के, निकाय के, असेंबली के, लोकसभा के इलेक्शन, लेकिन आज स्थिति यह है कि हर चार महीने में, पाँच महीने में, छः महीने में हर पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन लड़ना पड़ता है, उसके लिए रिसोर्स जुटाने पड़ते हैं, उसके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। छः महीने पहले इलेक्शन का जब कोड लग जाता है तो उसके बाद तो बिल्कुल काम नहीं हो पाता, लगभग छः महीने पहले इलेक्शन से पहले सब तरह के काम बंद हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर कोई चीज़ इंडिया को बांट रही है, इस देश को डिवाइड कर रही है, प्रोग्रेस को रोक रही है, बड़े फैसले लेने से लोगों को परेशान कर रही है, तो वो हर थोड़े दिन में चुनाव का होना है। अगर बिगनिंग करनी है इंडिया को एक करने की, शुरुआत करनी है इंडिया डिवाइड को रोकने की, इस गैप को ब्रिज करने की, तो ये पहला कदम होगा कि हम इलेक्शन को एक साथ करें। आसान नहीं है,
इसमें सब लोगों की कोशिश की ज़रूरत है. बहुत सारे पेपर्स इसके ऊपर तैयार किए गए हैं, बहुत सारे आइडियाज़ इसको लेकर हैं. और ऐसा नहीं है कि इस तरह की कोशिशें पहले नहीं हुई, इंडिविजुअल लेवल पर और नेशनल लेवल पर. इंडिविजुअल लेवल पर मुझे याद है आज के 1999 की बात है, जब दोनों बड़ी पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी, इन दोनों को सरकार बनाने के लिए, इन दोनों को केंद्र में सत्ता में आने के लिए डिपेंड करना पड़ता था रीजनल पार्टीज पर, छोटी पार्टियों पर, और हर दिन की मुश्किल होती थी. उस समय मेरे घर में एक दिन दो मेहमान थे, आज मैं उनकी बात कर सकता हूँ क्योंकि दोनों एक्टिव पॉलिटिक्स में उस तरह से नहीं है. एक बाद में प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी, और एक हमारे आज के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, ये दोनों डिनर के लिए आए थे. इसी पर चर्चा शुरू हुई कि बार बार चुनाव होते हैं, रीजनल पार्टीज का प्रेशर रहता है, क्या ये हो सकता है कि ये दो पॉलिटिकल पार्टियां साथ में आ जाएं तो सारे प्रेशर्स दूर हो जाएंगे और एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना लें. और उस प्रोग्राम में ये डिस्कस हुआ था कि विमेन सिक्योरिटी, किसानों की भलाई के लिए क्या कर सकते हैं, पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए क्या कर सकते हैं, ईज ऑफ बिजनेस के लिए क्या कर सकते हैं, लेबर रिफॉर्म कैसे कर सकते हैं. एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम दोनों पार्टियों के बीच में बन जाए और ब्रॉड कंसेंसस पर हो जाए. मुझे आज भी याद है कि ये प्रणब मुखर्जी साहब का, दादा का आइडिया था. उन्होंने कहा कि जब उन्होंने वाजपेयी जी से कहा, अटल जी जब अगले चुनाव होने वाले हैं, जब चुनाव हो जाएं, तो अगर हमारी पार्टी की एक सीट ज्यादा आए आपसे, तो आप 5 साल तक हमारी सरकार चलाएं, बाहर से लेके समर्थन करें. अगर आपकी पार्टी की एक सीट ज्यादा आ जाएगी तो हम बाहर रह करके कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना लें और हम आपकी सरकार 5 साल चलने दें जिसमें हमको रीजनल पार्टीज पर डिपेंड होने की जरूरत ना हो. चूंकि चर्चा खाने पर हुई थी, दोनों ने जब तक स्वीट डिश आई तब तक इस चर्चा की, एग्रीमेंट भी हुआ, लेकिन उठते उठते दोनों ने कहा कि ना आपकी पार्टी मानेगी ना हमारी पार्टी मानेगी, लेकिन बात करने के लिए अच्छा है. मुझे आज भी लगता है कि अगर बड़ी पार्टियां, दो बड़ी पार्टियां, बीजेपी और कांग्रेस, जिनका एक राष्ट्रीय स्तर है, कम से कम कुछ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम्स पर, देश से जुड़े बड़े हिस्सों पर आपस में बात करें, आपस में चर्चा करें, एक कॉमन प्रोग्राम तय करें, और ये तय करें कि कम से कम इन चीज़ों पर हमारा कोई झगड़ा नहीं होगा, तो शायद हम इस डिवाइड को कम कर सकते हैं, इस पॉलिटिकल डिवाइड को ब्रिज कर सकते हैं. मुझे लगता है कि ये एक आइडिया है, ये एक थॉट है, ये फिक्की के इस फोरम से शायद सामने आए, और अगर इस पर कुछ काम हो सके, देश के जो बड़े लीडर्स हैं वो आपस में बैठकर बात कर सकें और फिक्की इसमें इनिशिएटिव ले, सबसे पहला यही तय करें कि चुनावों को एक साथ कराने का काम हो, और फिर दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज आपस में बैठ के कुछ कॉमन विषयों पर बात करें. मुझे लगता है ये एक इस गैप को, डिवाइड को ब्रिज करने के लिए बहुत बड़ा कदम हो सकता है. थैंक यू वेरी मच.